नमस्कार, मैं शिवानी साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले के ग्राम अमरमऊ के सैकड़ों लोगों ने हाथ में लाठी डंडा लेकर हजारों लीटर शराब के साथ शराब भट्टी को नष्ट कर दिया। सरकारी भूमि पर कब्जा करके रह रहे एक समाज के परिवार के लोगों द्वारा अवैध शराब के कारोबार की ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, पर कोई कार्रवाई ना होने के चलते ग्रामीणों ने खुद यह कदम उठाया है। ग्रामीणों के अनुसार इस कच्ची शराब के पीने के चलते गांव के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे ही मामले में एक युवक शराब पीकर बेहोश हो गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक होकर हाथ भट्टी शराब को आज नष्ट किया है। इस पूरे काम को अंजाम देने वाली महिलाओं का कहना है कि हम गरीब परिवारों के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। गाँव के पास बिक रही इस अवैध शराब ने हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों को भी नशे का आदि बना दिया है। घर के लोग मजदूरी करके मजदूरी में मिले पैसे से शराब पी लिया करते हैं, जिससे हमें विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा गांव बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गया है। पुलिस आबकारी विभाग को मामले की कई बार शिकायत की है, पर पैसे के लेन देन के चलते यह अवैध शराब कारोबार लगातार फल फूल रहा है। इस शराब भट्टी को नष्ट करने के बाद सभी ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया। माहौल बिगड़ते देख आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सबने मिलकर ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश की। ज्ञात हो कि सागर का आबकारी विभाग हमेशा ही आरोपों के घेरे में रहता है। पूरे जिले में शराब माफिया सक्रिय है। संबंधित थानों से तो शराब माफियाओं पर यदाकदा कार्यवाही करते देखी जाती है, पर आबकारी विभाग की बात करें तो बमुश्किल ही कहीं कोई कार्यवाही करते दिखाई देता है। यहां तक कि आए दिन आबकारी विभाग की शराब माफियाओं से मिलीभगत की खबरें आए दिन सुनाई देती रहती हैं। ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। ये बेहोश हो गया, इनका क्या नाम है? चाली। चाली पूरा नाम? चाली आदिवासी। अच्छा, पिताजी का? चट्टू आदिवासी। अच्छा, क्या हो गया, किस वजह से? उसको शराब बनाते हैं ना, उसको लुवा गए, उन्हीं ने दारू पिलाई है और उन्हें जहर दिया उसने और उन्हें मारो पीटू है। शराब में दिया जहर? हाँ, शराब में जहर है। जहर है ने पिलाई है उनको। हाँ, उन्हें मारो है। आप लोग इधर कैसे आए? हैं? इधर कैसे आए आप लोग? जहर आए, उसने उल्टी करी तो जहर आ गया बाहर। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहने, हमें तो भगाने हैं। किसको? किसको? उनको दारू वाला ना। कि क्या मांग है, क्या मांग है आपकी? तो जहाँ पर रहते हैं तो वो सास की जगह में रहते हैं, वो जगह खरीदी उनने? तो पूरी जमीन पर जितने पर रहते हैं वो? अच्छा, तो मतलब वो जमीन उन्हीं के नाम पे है? नहीं नहीं, जो शराब बेच रहे हैं वो जमीन किसके नाम पे है? उन्हीं के नाम पे है। आप क्यों खड़ी हैं? बोलो क्यों खड़े? दारू वाले है ते उनको भगाने हैं। हम नकड़ियाँ डालते सब 10-20 रुपया की, उसमें बच्चे पाले के दारू मुन से दारू खुजावे। कौन बेचता है दारू? वे पुछी पाल होता बसे में काम के बसा रहा है। तो इनको बसाया किसने? अरे एक जन कोई बोलो, ये बताओ शराब बेकवाता कौन है? ये शराब बेकवाता कौन है? हाँ, तो जहाँ पर ये बताओ जहाँ पर वो रहते हैं कि अब पूरी जमीन बेची गई, कि और आधी वो जगह किसकी है? और बात जो जगह बेची गई इसके अलावा कहाँ रहते हैं वो? जो जहाँ पर रहते हैं जो जगह बेची गई है उसके अलावा भी कहीं रहते हैं क्या वो? जहाँ पर ये अबे शराब वाले रहते हैं वो जगह जो बेची गई उसी में रहते हैं या कहीं और रहते हैं? हाँ सर, वो उसी जगह में रहते हैं और जब से वो आए हैं उनको 2 साल हो गया। इतनी शराब बेचते हैं कि अभी 200
दो दो सौ लीटर के 20 ग्राम निकले हैं अभी वर्तमान में। अच्छा, फुल भरे हुए थे। हाँ। वो अवैध रूप से बेच रहे हैं, ना उनके पास कोई लाइसेंस है, न कुछ। वो बाहर के लोग हैं, और ये लोग बहुत से ज्यादा जंगल के जानवर, मोर, जितने पक्षी, पूरे मुंह बांट मार खाए लोगों ने। क्या आप लोगों ने कभी उनके पास दो हथियार भी रखे हुए चिड़िया मार। अच्छा। पूरे जानवर, हजार मोर थी, उन्होंने पूरी खा ली। और इतनी शराब बेचते हैं कि बोरा भर भर के जाती है। कभी आप लोगों ने वर्तमान में 10 मिनट आध घंटा पहले 12 ड्राम दारू निकली है 200 लीटर के। अच्छा। हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा है। हाँ। उसको वहाँ पर नष्ट कर दिया। वो उनका यही धंधा है। यहाँ के आदिवासी लोग बच्चे तक वहाँ दारू पीने लगे, इतने बर्बादी पर चल रहे हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को दारू पीते हैं, झगड़ा होता है। कम से कम 20 आदमी। एक बात बताओ, इसकी शिकायत आपने कभी ग्राम पंचायत में की? क्या ग्राम पंचायत में शिकायत की है, और पुलिस थाने में शिकायत भी गई है। हाँ। तहसील में गई है। हाँ। मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस भंडा से आती है, एक घंटा देखा और बस, जो लेना देना किया फ्री। अच्छा। उनको क्या मतलब, उन्हों तो पैसे से मतलब। हाँ। वो तो दिन रात लाखों रुपया की दारू बेच रहे, यहाँ बच्चे पी रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 50 आदिवासी मर चुके हैं श्रीमान जी, शराब में, और पूरे बर्बाद हो चुके हैं दिन रात। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि इस गांव के अंदर शराब नहीं बिकनी चाहिए। अच्छा। बाहर वाले हैं, उनको हटाएंगे हम लोग। हाँ। अगर हम लोगों की 4 दिन के अंदर मांग नहीं की नहीं हटाया गया, तो हम लोग इससे भी ज्यादा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा। उसको हटा के रहेंगे। आज पुलिस आई थी क्या? सहयोग पुलिस का भी चाहिए। आज पुलिस, ये बताओ आज पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस वहाँ आई थी। हाँ। हाँ, और वहाँ ज्यादा दंगा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पर हम लोगों से कहा कि ज्यादा दंगा मत करना। हाँ। हम लोग शांति से भाग गया, और कुछ नहीं, वहाँ पर दारू मारू मिली। हाँ। और तो वो महिलाओं ने उसके लिए हटा दी दारू, और कुछ नहीं किया, बस शांति से भाग गया। तो वहाँ से आकर के ये बताओ, पुलिस किसी को पकड़ के ले गई क्या? नहीं, किसी को नहीं। जो शराब बेचते हैं उनमें से किसी को पकड़ा पुलिस ने? क्या नहीं पकड़ा। तो वहाँ पर सुबह 2-4 महिलाएं थी, वो लोग सभी वहाँ से हट गए, मिलेगी नहीं। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम आपका? मेरे नाम। किस वजह से सागर थाने आई? सागर थाने इस वजह से आए कि हमारा एक आदमी दारू पी के कल खत्म भी होगा, तो उसके लाने हम लोग जलावे गए, हमारे मायत गए माने, तो उनको वे उनने बट्टा अट्टा मारे, मायदा को पीट को कूटो पीटो है, और फिर उनने अपनी झुपड़ियां में आग लगा ली, बार बूट डालो, और हम उनकी लाने कह दी के माने जे इनने झगड़ा करो है, हम लोग कहा है उनके लाने झगड़ा करो, बारानी था न सपरंदा हुआ। आप लोग इधर क्या चाहती हैं? इतना न्याय चाहिए, हम लोग तो भगवान है उसकी, उनके लाने बस। किसको भगाना? बेदारू बारन। बच्ची, वो बच्ची क्या था भाई? मैंने बनू पर उठी। हाँ आप ये है खाता हूँ।
देखो बनी बनी दारू कितनी है सब। अरे ऐसी खोल दारू पर देखो मुझसे आज बता रहा तुम देखो जा दारू के दारू पूरी पेपर दारू के ये